विक्रम कापड़ो हत्याकांड मामले में आज आप सभी को पता है कि उस मामले को लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो हांसी के अंदर तमाम बहुजन संगठन मिलकर के एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एसपी कार्यालय का घेराव करने रहे हैं और जो सिविल हॉस्पिटल है हांसी का, वहां से पैदल चल करके हांसी कार्यालय जो है एसपी साहब का जो कार्यालय है वहां पर पहुंचेंगे। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रदर्शन में कितने लोग मौजूद हैं, क्या इनकी बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको उस प्रदर्शन की वो तस्वीरें। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं ये चौक जो है इसको बिल्कुल जाम कर दिया गया है। कापड़ो कांड जो हुआ था उसको लेकर के, उसको विक्रम जिसका नाम था, उसकी मौत जो है वो हो गई थी, किस प्रकार से हुई थी वो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन आज हांसी में एसपी के कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से ये लोग निकले थे, लेकिन अभी ये जो चौक आया है, बिल्कुल पहला जो चौक है इसको जाम कर दिया गया है। देखिए, पहला मामला नहीं, आज हिसार की धरती पर जो है आज पूरे बहुजन समाज ने हुंकार भरी है। और जैसा मीडिया के साथियों को सभी को पता है कि 7 तारीख को भाई विक्रम की निर्मम हत्या कर दी गई, और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो इस तानाशाही जो सरकार है भाजपा सरकार उसके दबाव में आकर के ये बयान कर रहा है कि भाई विक्रम का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन किस कई तथ्य से अगर देखा जाए तो उसमें उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जो पहले परिवार वालों का भी कहना है कि जैसे फ़ोन पे उन्होंने बात की, रात को फ़ोन पे बात हुई तो पीछे से भी कुछ आवाज़ आई, उनसे ये क्लियर हो जाता है कि भाई विक्रम को जान से मारा है, उनकी हत्या की है। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो दोषियों को गिरफ्तार करने की बजाय जो है, देखिए इधर देखिए, ये सिर्फ जो न्याय मांगने के लिए लोग आए हैं उनके लिए भी कितना पुलिस प्रशासन लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस प्रशासन यदि आप दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए लगाएंगे तो शायद दोषी जेल के पीछे होंगे। बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। अगर बात की जाए विक्रम की डेड बॉडी की, क्या वो परिवारजनों को मिल चुकी है? नहीं, अभी नहीं मिली है। अग्रवा हॉस्पिटल में है। और बात विक्रम भाई की नहीं है, बात इससे पहले 2 महीने पहले भी एक डेड बॉडी को लेकर के रोड पर रख के बैठे रहे, उससे पहले भी ये हिसार जो है एट्रोसिटी का गढ़ बन चुका है। हाँ, एट्रोसिटी का गढ़ बन चुका है। लेकिन जो तानाशाही सरकार है वो पता नहीं क्या रुख अपना रही है। उसको चाहिए कि जब कोई भी सत्ताधारी
जब सीट पर बैठ जाता है तो उसको छोटे से लेकर के बड़े तक सभी वोट डालते हैं, तभी वो राजा बनता है। अब वो राजा जो है आंख बंद करके बैठ गया, वो कहता है कि भाई ये जो दलित परिवार है, जो बहुजन, इस देश का बहुजन है, इनको मारो, और जो दोषी हैं उनको बचाने की फिराक में भाजपा सरकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखो, या तो मान जाओ, देखो मैं एक भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ना, देखिए प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो फिर हमारे पास सभी रास्ते हैं, जो जिस भाषा से समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने का काम हम करेंगे। हम अपने लोगों पर बिल्कुल भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अभी तो ये थोड़े से लोग आए हैं, यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ पर जो हमारे चीफ हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि पहले भी आए थे, वो आएंगे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ से उठेंगे। हमने विक्रम की पत्नी से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली। मिल चुकी है? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन उसमें भी तो क्लियर हो गया कि उसको चोट लगी है। उसमें जो देखे पुलिस, ठीक है पुलिस प्रशासन जो कह रहा है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो तो झूठ नहीं बोल रही है ना। वो रिपोर्ट में क्या कुछ आया? वो उसको चोट लगी और 6 दिन के बाद रिपोर्ट मिली है, उसमें स्पष्ट क्लियर हुआ है कि उसको चोट लगी है। पहले उसको पिटा गया, फिर उसको जान से मार दिया गया, और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र उन्हीं लोगों ने है जो लोग इस केस को दबाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट सर हिसार की है या गर्वा मेडिकल कॉलेज की है? हिसार की। ये हिसार की है, ये हिसार की है जी। और मैं तो आप सभी मीडिया देखिए, जब तक इस देश में चौथा स्तंभ मीडिया है, यदि मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे, वो चाहे जाति और धर्म से उठ करके यदि मीडिया कवरेज दे, तो दोषी बिल्कुल जेल के पीछे होंगे। धन्यवाद सर। 10 दिन हो गए इस प्रकरण को चलते को, 10 दिन से आप पहले हिसार थे, आज यहाँ हांसी में आए हो, तो क्या चल रहा है इसमें? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? सर पुलिस प्रशासन को खड़ा होना चाहिए पीड़ित के साथ में, लेकिन पुलिस प्रशासन खड़ा है विरोधी के साथ में, और ये डेड बॉडी भी हमें नहीं दे रहा। अगर वह डेड बॉडी शिफ्ट करी, परिवार के लोगों ने ज्ञापन भी दिया, बार बार डीसी से मिले, एसपी से मिले, आज तक वो डेड बॉडी नहीं आई। इसलिए आज तमाम संगठनों ने हांसी पुलिस को जगाने का काम किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, गूंगे बैरों को जगाने के लिए, सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इसलिए भीम आर्मी के लोगों ने, नगरपालिका ने और तमाम संगठन ने, जो ऐसी खाप है उनके लोग भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। सभी ने निर्णय लिया और यहाँ पे इस एसपी मैडम की आंखें खोलने का काम करेंगे, क्योंकि देखिए एसपी साहब से मिलते हैं, मुझे टाइम दो, 2 दिन दो, 4 दिन दो, भाई किस बात का टाइम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में है, पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को उन्होंने सीधा सीधा दुर्घटना करने का काम किया कि दुर्घटना है, लेकिन हमने डॉक्टर की सलाह ली, एक डॉक्टर की नहीं कम से कम 5 डॉक्टर की सलाह ली, बाहर बैठे हैं इटली डॉक्टर बैठे, रसिया बैठे हैं साथी हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट किया, व्हाट्सएप पे भेजा, उन्होंने कहा ये चोटे बुलंद चोटे हैं, ये ऊपर गिरने से भी लग सकती है, ये बैठ की चोट भी हो सकती है, ये लठ की चोट भी हो सकती है, ये बिल्कुल मतलब तेज धार हथियार की चोट नहीं है, ये मारा गया है, ये भी हम साबित नहीं कर सकते, और ये मर्डर है, ये भी हम साबित, एक्सीडेंट, ये भी साबित नहीं कर सकते। ये साबित करना प्रशासन का काम है, प्रशासन दोषियों को पना दिए हुए बैठा है, प्रशासन ने उसके पूरा अपना मुआवजा ले लिया हमसे, अपना खा पी के आराम से बैठा है। इस पर विनोद शंकर जी के एसपी बोलती है कि विनोद शंकर जी आपके बीच में पहुंचेंगे, विनोद शंकर जी डीएसपी एक बार भी हमारे पास में आने का काम नहीं, सिर्फ एक दिन आए थे। एसएचओ साहब आके बोलते हैं कि मेरी बेइज्जती करने का काम ना करें। देखिए ऐसे प्रशासन को जो भी भाषा में समझे हम उस भाषा में जवाब दे सकते हैं। ये बहुजन लोग हैं, ये खाल उतारना भी जानते हैं, और खाल उतार के उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और जूता बना के प्रशासन के सिर पे मारना भी जानते हैं। अगर ऐसा रवैया रहा तो प्रशासन को छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद। आपने आईजी हिसार को भी जो है एक ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन भी किया था, वहाँ पर आपको क्या कुछ आश्वासन मिला था? क्या उस आश्वासन पर आप जो है खरे उतरे थे, या फिर प्रशासन की बात करें तो कोई कार्रवाई कर पाया? कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। यहाँ का आईजी, यहाँ का डीसी, यहाँ का एसपी, सब की सब राजनीति सरकार है। दुष्यंत का पूरा प्रभाव है इनको लोगों के ऊपर, कापड़ो गांव में पूरा प्रभाव है दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला के पनाह में आके ये लोग, ये एसपी मैडम, यहाँ का डीएसपी आराम से बैठा, और बिल्कुल हम बिल्कुल कड़े शब्द में कह के ये पैसे खा के बैठे हैं। गरीब आदमी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा सर? गरीब आदमी देखिए, आप देख रहे हो कि हमारे पीछे कितने बैरिकेड लगा दिए, क्यों भाई? हम कोई आतंकवादी लोग हैं? हम कोई असला लेके आए हुए हैं? हम बम लेके आए हुए हैं जो इनको उड़ाने का काम करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन महोदय हमें, हमारे साथ में इंसाफ करने का काम करें। जो बदसलूकी आप हमारे साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए इस मामले की अगर बात करें तो एक भिन्न बात निकल करके सामने आई है, जो आप आरोप लगा रहे हैं जिन पर, वही लोग हॉस्पिटल में विक्रम को लेकर के गए थे। देखिए वही लोग तो लेके जाएंगे ना सर, उन्हीं की तो मानसिकता थी। वही लोग कह रहे 6:30 बजे विक्रम की आवाज़ थी, 6:30 बजे उसके सीना धड़क रहा था, 6:30 बजे डॉक्टर ने कह दिया मर चुका है, 6:30 बजे डॉक्टर बोला कि इसमें सांसें है, 6:30 बजे हम डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचे थे, 6:30 बजे वहीं पे बैठे थे। ये तमाम तरह की जो उनके डिस्कशन थे, जो उनकी बातें थी, मिक्स नहीं हो पाई। इसलिए ये बिल्कुल संदेह क्या, 100% जानकारी है हमारे पास में और भाइयों के पास में कि ये मर्डर है और प्री प्लान मर्डर है। हाँ जी सर, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस मामले में हैं,
तो मतलब कार्रवाई कहाँ तक पहुँच पाई है ये? अभी तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। और हम हैरान हैं, आज 10 दिन हो चुके हैं, जो वादे जाके उधर अधिकारी करते हैं या जिनसे हम मिलते हैं, जैसा मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप IG के पास गए, DC साहब के पास गए, तो वो जो लोग कहते हैं, उच्च अधिकारी भी जो बात कहते हैं वो बात भी पूरी नहीं होती है। ना तो सबको वहाँ से मंगाया गया है और ना बाई नेम, हम जो 302 में FIR दर्ज हो चुकी है, ST एक्ट लग चुका है, तो उन लोगों का अब तक गिरफ्तारी भी नहीं है। गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनको बुला के पूछा तक नहीं है प्रशासन ने, तसल्ली तक नहीं की कि वास्तव में आप लोग उस समय कहाँ थे। हमने कल भी SP मैडम से मिले थे, हमने उससे कहा था कि आप जिन जो भी संदेह के घेरे में हैं लोग, उनके आप सबकी CDR निकलवाओ। लास्ट लोकेशन उनकी कहाँ थी, रात को उनकी किनके साथ बात होती है, दिन में किसके साथ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि भाई उस दिन, उस रात को, जब 7 तारीख की रात को इसके पिताजी के पास फ़ोन आता है और फ़ोन में वो कह रहा है कि भाई मैं 20 तारीख को घर आ जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा, ये लोग मेरे को आने नहीं देते घर पे। पीछे वो एक दिन के लिए आया था, 4-5 महीने से वो वहीं पर रह रहा था, उसके पैसे मजदूरी के पैसे भेज दिए थे घर पे, लेकिन उसको आने नहीं दिया जाता था। एक तरह से बंधुआ मजदूरी का काम वो कर रहा था। उसने 20 तारीख को घर पर आने के लिए बोला। उस दौरान बीच बीच में आवाज़ें कुछ और लोगों की सुनाई दे रही थी, जो उसको धमकी भरे शोर में ये कह रहे थे कि बात तू फ़ोन काट। वो लोग कौन थे? SP महोदया से हमने यही कहा था कि आप इसमें गहनता से जाँच कीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में है और उन अपराधियों को तो सुरक्षा दे रहे हैं। और देखो, हम पीड़ित मिलने के लिए आए हैं आज, हमारे लिए इतना बंदोबस्त कर दिया कि भैया जैसे पाकिस्तान से आए हों, आतंकवादी हो। पीछे भी सरकार ने, इस BJP सरकार ने पीछे भी ऐसा कुछ दिखाने का काम किया था। दलित आते हैं रोड पर तो बोल देते हैं कि भैया इनका तो काम है, किसान आते हैं तो उनको खालिस्तानी बता देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं, कोई अन्य मुस्लिम धर्म के लोग किसी बात को करते हैं तो उनको पाकिस्तान का बता दिया जाता है। आखिर कब तक इन लोगों की, जब उन लोगों को संरक्षण ही क्यों देते हैं जिनकी गलती है, जिन लोगों ने मारा है उनको बचा क्यों रही है पुलिस? उनको सामने करे और बताए कि उन्हें किस गुनाह के तहत इस लड़के को मारा है, हमारे बच्चे को क्यों मारा गया है। जब हम इनसे मिलने के लिए आते हैं तो हमें सिर्फ एक दिन का आश्वासन दो, 2 दिन का टाइम दो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज 11 दिन हो सके हैं, पुलिस का खाली हाथ है, बार बार हम प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे प्रदर्शन? आपने पीछे भी देखा और मामलों में भी समाज ने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, प्रदर्शन करने पड़े, बावजूद उसको उनको न्याय मिला। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया आखिर क्यों करवाना चाहती है सरकार? ये प्रदर्शन हो और फिर लोगों की गिरफ्तारी हो, जब इनको पता है ये इनके पास साधन संसाधन है, ये किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जो असली गुनहगार उनको निकाल सकते हैं, तो इसमें टाइम लगाने की वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि ये लोग राजनीतिक प्रेशर में हैं और ये लोग, ये इनकी मानसिकता सेट हो चुकी है भाई, ये दलित लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 दिन रोएंगे चिल्लाएंगे, बाद में घर चले जाएंगे और कुछ नहीं होना इनका, बस इनकी एक मानसिकता सेट हो चुकी है। लेकिन तमाम के तमाम आज जो संगठन जितने भी पहुंचे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन लोगों के सहयोग से। हम परिवार वाले तो नहीं कर सकते अकेले, लेकिन हम 10 दिन में हमने जुड़ाव बनाया है, 10 दिन में हम जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, 10 दिन से हमने समाज को संख्या बढ़ाई है, समाज को जोड़ने का काम किया। अगर आज भी हमें कोई सही निर्णय नहीं दिया जाता, प्रशासन की तरफ से सही नहीं होता है, तो ये जो आंदोलन है अब ये रुकेगा नहीं, प्रतिदिन होगा। सर, विक्रम की मौत को कारण होगा कुछ पता लग चुका है अभी तक? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनको नू कहे गए इसके शरीर में 23 इंजरी है, भाई 23 जगह इसको चोट मारी गई है या इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो डॉक्टर ने तो सिर्फ ये लिखा था इन चोटों की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। अब जैसे हम बता रहे हैं, जब ये लोग हमसे मिले थे, इन्हें कहा कि भाई ये एक रोड के ऊपर हमने पड़ा मिला है, जिस व्यक्ति ने शुरू में इसको देखा है उसका कहना है कि भाई तड़फ रहा था, भाई उसके पास आसपास कोई साधन वगैरह, कोई कांच टूटा हुआ शीशा वगैरह कुछ तो चीज़ मिली होगी, जैसे कि इससे लगे कि भाई एक्सीडेंट है। उन्हें कहा कि इसका टिप्पण वहाँ पर खुला पड़ा हुआ था, एक डिस्पोजल रखा है, शराब की खाली बोतल रखी है। क्या कारण है वो वहाँ क्यों पड़ा था? इसका उनका कहना यह था कि इसने यहाँ पे आके बैठ के शराब पी है। तो टिफिन में कोई शराब थी उसके? नहीं, बिल्कुल वहाँ टिफिन था ही नहीं, ना खाली बोतल थी शराब की, ना टिफिन थी। जब हम परिजन पुलिस के साथ वहाँ पर पहुंचे तो उस तरह की कोई चीज नहीं, उसकी पाँव के चप्पल तक नहीं मिली वहाँ पे। उनकी बातों से हमने संदेह हुआ, तब हमने उन लोगों के खिलाफ 302 का ST एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करवाया। जब उनका पर्चा दर्ज हो चुका है तो क्या निभा रही है, कौन सा नाता निभा रही है पुलिस उनके साथ? क्यों नहीं उठाती उनको, क्यों नहीं सख्ती से पूछताछ की जाती? जी संतलाल जी, इस मामले में प्रशासन से किस प्रकार की अपील आप कर रहे हैं और क्या कुछ मांग जो है वो कर रहे हैं? सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। और ये हिसार की धरा है, जो क्रांतिकारी धरा है ये, और इसके ऊपर हर रोज़ ही 6 महीने में लास्ट हमारे मीर का कांड में विनोद मीर का हो, हंसराज सिसाए हो,
शुभम वाल्मीकि के हमारा आदमपुर से हो और ये हमारा विक्रम कापड़ो हो और लाडवा के अंदर हमारे घरों में घुस करके हमारे भाइयों को पीटने का काम किया। ये हाशी और हिसार पुलिस की नाकामी है। हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की ये नाकामी है और उनकी विफलता की वजह से हाशी पुलिस, हिसार पुलिस बिल्कुल भी खुले आम सरेआम लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करती है, पीड़ित को न्याय देने का काम नहीं करती। दुष्यंत चौटाला के इशारे पर आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं सर? मांग जो है सर, हम कहते हैं कि हिसार की मिट्टी की कसम, जब तक विक्रम कापड़ो को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक इस लीले कफन हमारे शरीर पर रहेगा, एक दिन घर पर नहीं बैठेंगे और न एसपी हाशी को बैठने देंगे। और ये जो दोकली नीति है हरियाणा सरकार की, गरीब के न्याय के लिए अलग कानून बना दिया इन लोगों ने और एक अमीर के न्याय के लिए अलग कानून, हमें एफआईआर के लिए, गिरफ्तारियों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अमीर आदमी के फोन पे काम हो जाता है। हमारे समाज के लोगों को समझना होगा, किसी और विक्रम कापड़ो की हत्या अब भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हम लोग तैयारी में हैं, हाशी पुलिस भी समझ ले, एसपी भी समझ ले, ये एक सुनियोजित हत्या है और ये एक दुर्घटना नहीं है। क्योंकि मांगेराम भाई ने बताया है कि उसके पैरों में जूती भी नहीं थी, चप्पल भी नहीं थी। भाई एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर पानी चाहिए थी, वो कि नंगा भाग के आया था, उसके टिप्पण क्या का काम था? ये एक सुनियोजित हत्या है। हाँ जी सर, ये 10 दिन हो गए, मतलब ये आंदोलन चल रहा है, अभी तक विक्रम का सच्चाई ये भी नहीं पता लग पाया है कि उसका एक्सीडेंट है या हत्या है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक साथी हैं सभी को जय भीम, जितने भी मीडिया के साथी आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे देश की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस देश की बिकाऊ मीडिया बन चुकी है। वो अगर मामला हिंदू मुसलमान का है, अगर मामला गाय का है, अगर मामला गाय का होगा, हिंदू मुसलमान का होगा, तो ही वो मेन स्ट्रीम में उसको दिखाएंगे। अगर मामला किसी दलित का है, किसी गरीब का है, किसी ऐसी समाज के व्यक्ति का है, तो वो उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आते हैं। ऐसा देश की गरीब जनता के साथ आखिर हो क्यों रहा है? और ये लोग जो है नुक्स निकालने का काम करते हैं कि इनकी यहाँ गलती है, इनकी यहाँ गलती है। अब जैसे इस मुद्दे पे आते हैं तो विक्रम भाई का 10 दिन पहले हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिजनों के जो